पर आए हुए हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी नेतागण, सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों उपस्थित, हमारे मीडिया के मेरे मित्रों, भाइयों एवं बहनों, छायाकार बंधु और बड़ी सेना, बड़ी संख्या में जिनको मैं अपना अभिभावक मानता हूं, ऐसे हमारे सैनिक, भारत माता के लिए जिन्होंने अपना संपूर्ण जवानी लगाने का काम जिन्होंने किया है, मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों ने यहां पहुंचने पर जिस प्रकार से आपने मेरा और हम सभी का यहां पर स्वागत किया, माताओं बहनों ने जिस प्रकार से अपना आशीर्वाद दिया, नौजवान साथियों ने, बड़े बुजुर्गों ने जिस प्रकार हमारा उत्साहवर्धन किया, मैं भी आपको दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बड़ी संख्या में आप सब पधारे हैं। इसके साथ ही आज का दिन बड़ा शुभ दिन है, जहां आज महाशिवरात्रि का भी दिन है और आज महिला दिवस भी है। मैं महाशिवरात्रि की भी आपको बधाई देता हूं। भगवान महादेव की कृपा आप सब पर बने, भगवान भोलेनाथ हमेशा कृपालु आप सब पर बने रहें और अपनी मातृशक्ति को भी। ईजावेणी महोत्सव हम लोगों ने पूरे उत्तराखंड के अंदर यहीं हल्द्वानी नैनीताल से प्रारंभ करके कल देहरादून में उसका समापन हुआ, और जहां भी कहते हैं कि मातृशक्ति का सम्मान होता है, नारियों का सम्मान होता है, यत्र नारीस्तु पूजन्ते तत्र रमन्त देवता, यानी कि जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवता भी रमण करते हैं, उन सभी अपनी मातृशक्ति को भी मैं नमन करता हूं। और बड़ी अच्छी बात है कि जहां हमारी बहनें, हमारी माताएं, माता स्वरूप मेरी सभी बुजुर्ग माताएं भी यहां पर आई हैं, मैं उनको नमन करता हूं, और वहीं मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं जो बड़ी संख्या में हमारी मुस्लिम बहनें यहां पर रास्ते में कह रही थी कि यूसीसी आपने लागू किया है, उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित कराया है, उसके लिए जो धन्यवाद देने आई हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं अपनी तरफ से। आज भगवान शंकर और माँ शीतला के आशीर्वाद से, माँ जियारानी के आशीर्वाद से, आज 100 करोड़ से भी ज्यादा, कितने 110 करोड़ की योजनाओं का और सब मिलाकर 620 करोड़ से भी अधिक की योजनाओं का, लगभग 700 करोड़ के आसपास की योजनाओं का यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। ये मेरा सौभाग्य है कि इन सभी योजनाओं का आज मुझे और हमारे सभी साथियों को लोकार्पण और शिलान्यास करने का ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ। हल्द्वानी में रोडवेज, बस टर्मिनल, आरटीओ कार्यालय, ड्राइविंग सेंटर सहित ऐसे अनेकों निर्माण के कार्य हैं, जो मैं कभी कभी आता हूं, जब भी मैं यहां आता हूं या जब भी मैं ऐसे शिलान्यास करता हूं या लोकार्पण करता हूं, तो मेरे मन में एक प्रश्न आता है मुझसे कि आखिर ये इतनी देर में क्यों हो रहा है। ये प्रश्न शायद मेरे मन में होता है, ऐसा नहीं है, ये प्रश्न आप सबके मन में भी आता होगा कि ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, आखिर क्यों नहीं हुआ। वैसे इस प्रश्न का उत्तर भी अगर हम खोजेंगे तो जरूर हमको मिल जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न मेरे मन में आ रहा है ऐसा नहीं है, ये प्रश्न सबके मन में आता होगा। इस प्रश्न का उत्तर हमको सामूहिक रूप से खोजना चाहिए कि ये काम कई साल पहले तैयार हो जाने थे, लेकिन यह पुनीत कार्य हो सकता है माँ शीतला देवी ने, माँ जिया रानी ने, भगवान महादेव ने हमारे ही हाथों लिखा होगा, हम सबके हाथों लिखा होगा, आप सबकी उपस्थिति में लिखा होगा, और आप हम ऐसे तमाम कार्य कर रहे हैं जो काम पहले होने चाहिए थे, पहले की सरकारों में हो जाने चाहिए थे, उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी,
उनके मन में इस प्रकार का भाव नहीं था कि जिससे जनता को सुविधा मिलेगी, जनता का जीवन आसान होगा, ये हमारा कुमाऊं का द्वार यहाँ पर विकास के लिए आगे बढ़ेगा, विकास के नए मार्ग खुलेंगे, रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। भाइयों बहनों, हम जब भी कोई अच्छे काम करते हैं, कुछ लोगों की फितरत होती है अच्छे कामों को रोकने की, उन कामों में भी जो काम हम बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं, रात दिन लगकर कर रहे हैं कि हमारी माताओं बहनों का जीवन ऊपर उठे, हमारे नौजवान भाइयों को रोजगार मिले, हमारे बड़े बुजुर्गों को सबको सुविधा मिले, उसके लिए जो काम कर रहे हैं उसमें भी, अच्छे कामों में भी वो कमी निकालने की कोशिश करते हैं। जब हमने प्रदेश में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया तो उसके बारे में भी न जाने क्या क्या कहा गया उस समय, कहीं कहने लगे कि छोटे बच्चों पर भी, हाई स्कूल इंटर कक्षा आठवीं में पढ़ने वाले बच्चों पर भी इन्होंने नकल अध्यादेश लागू कर दिया, अरे छोटे छोटे बच्चों को जेल जाना पड़ेगा। एक बहुत बड़े व्यक्ति मेरे पास आए और मेरे से बोले कि आपका बेटा कौन सी क्लास में पढ़ता है। मैंने कहा अभी तो वो छठी क्लास में है, छह में पढ़ता है। तो बोले अरे तो उसके ऊपर भी लागू हो जाएगा क्या ये। मैंने कहा अरे नहीं भाई, हमने ये नकल का अध्यादेश छोटे बच्चों के लिए लागू नहीं किया है, ये हमने उनके लिए लागू किया है जो हमारे गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का हक मारने का काम करते थे, उसमें चोरी करने का काम करते थे, उसमें अपराध करते थे, नकल करवाते थे, और जिनको परीक्षाओं में पास होना चाहिए, जिनका चयन होना चाहिए, उनका चयन नहीं हो पाता है, उनके लिए हम ये नकल का अध्यादेश लेकर आए हैं। इस प्रकार का भ्रम फैलाने का काम किया। इसके साथ ही आपने देखा होगा तमाम जगह पर जो अतिक्रमण था उस पर हमने कार्रवाई करी, समान नागरिक संहिता हम प्रदेश के अंदर लेकर